मध्य प्रदेश का धार जिला जो कि अपनी भोजशाला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब यही भोजशाला विवादों में है। दरअसल यहाँ माँ वाग्देवी की प्रतिमा के प्रकट होने का दावा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 9 सितंबर की रात को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ। वीडियो में एक प्रतिमा दिखाई दे रही थी। इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि प्रतिमा माँ वाग्देवी की है और यहाँ प्रकट हुई है। प्रतिमा प्रकट होने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने सुबह करीब 4 बजे भोजशाला से प्रतिमा हटाकर किसी गुप्त स्थान पर रखवा दी। साथ ही भोजशाला को बंद कराकर वहां की सुरक्षा चाक चौबंद करा दी गई। SP इंद्रजीत ने इसे शरारती तत्वों की साजिश बताया है। साथ ही कहा है कि भोजशाला की सुरक्षा के लिए लगाई गई तार को काटकर कुछ लोगों ने यहाँ पर प्रतिमा रख दी थी। चलिए फिर जान लेते हैं इसका विवाद शुरू आखिर कहाँ से हुआ। हजारों साल पहले धार में परमार वंश का शासन था। यहाँ पर राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज सरस्वती देवी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने यहाँ पर एक महाविद्यालय की भी स्थापना की, जिसके बाद में यह भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन फिर जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आए तो उन्होंने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार सन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय भोजशाला के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने खिलजी की इस्लामिक सेना का विरोध किया था। खिलजी द्वारा लगभग 1200 छात्र शिक्षकों की बंदी बनाकर उनसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, लेकिन इन सभी ने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया। तो इसके बाद विद्वानों की हत्या कर दी गई और उनके बाद शवों को भोजशाला के ही विशाल हवन कुंड में फेंक दिया गया। इस तरह एक और हिंदू मंदिर इस्लामिक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया। बाद में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी और फिर जब महमूद शाह खिलजी यहाँ आए तो उन्होंने दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी। बताया जाता है कि 1875 में जब यहाँ पर खुदाई की गई तो इस खुदाई में सरस्वती देवी की एक प्रतिमा निकली। इस प्रतिमा को मेजर किनकेड नाम का अंग्रेज लंदन ले गया। हिंदू संगठन भोजशाला को राजा भोज कालीन इमारत बताते हुए इसे सरस्वती का मंदिर मानते हैं। हिंदुओं का तर्क है कि राजवंश काल में यहाँ कुछ समय के लिए मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। दूसरी ओर मुस्लिम समाज का कहना है कि वो सालों से यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं। मुस्लिम इस भोजशाला को कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर कई बार हिंदुओं की पूजा पर तो रोक लगाई गई, लेकिन कभी एक बार भी शुक्रवार को होने वाली नमाज पर रोक नहीं लगाई गई। हालांकि विरोध के बाद पूजा पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। ASI द्वारा संरक्षित स्थल को हिंदू वाग्देवी का मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम इसे कमल मौला की मस्जिद मानते हैं। 7 अप्रैल 2003 को जारी ASI दिशा निर्देशों के तहत मुसलमानों को परिसर में शुक्रवार को नमाज अदा करने की और हिंदुओं को मंगलवार को पूजा अर्चना करने की अनुमति है। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। नमस्कार।